हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप हमारे नए व्यूवर्स हैं, नए दर्शक हैं, या आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं या देखते आ रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब करें। वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, उसको दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर जो आप ऐसा करते हैं तो वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी बीमारी के ऊपर अगर जो मैं वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालता हूं। मित्रों, एक बात बताऊं आपको कि इंसान को कभी भी किसी भी चीज के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं नहीं समझ पाता हूं लोग किस बात की अकड़ या हेकड़ी मारते हैं, घमंड दिखाते हैं और नाना प्रकार की बातें करते रहते हैं। अगर जो कोई बहुत इंसान जो उसे अपने पैसे का, रुतबे का, घर का या पैतृक संपत्ति, बाप के द्वारा मिली हुई संपत्ति का बड़ा घमंड है, या बाप ने एक बहुत बड़ी विरासत बना करके रख दी थी, अब उस पर वो राज कर रहा है, उसका घमंड दिखा रहा है, तो बस सिर्फ आप उनसे ये इतना पूछें कि ये जो शरीर मिला ये भी किसी दूसरे के द्वारा मिला, तो शरीर पे किस बात का घमंड। बचपन में अगर जो किसी ने तुम्हें चलना सिखाया, अगर जो आज तुम बढ़िया से चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो ये भी किसी ने तुमको सिखाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो तुम्हें इस पे क्या घमंड होना चाहिए। अगर जो आप कहते हैं कि मैं इस क्षेत्र में बड़ा ही कुशल और पारंगत हूं, तो वह भी किसी गुरु के माध्यम से ही वह ज्ञान आपने अर्जित किया, तो किस बात का घमंड। अगर जो आप कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ, बड़ा अच्छा बोलता हूँ, बड़ा अच्छा जो है नाचता हूँ, तो ये सारी चीजें, ये कलाएं भी आपने किसी दूसरे से ही सीखी, तो किस बात का घमंड। इवन अगर जो देखा जाए तो जो हमें पत्नी मिलती वह भी किसी दूसरे की है, तो किस बात का घमंड। पुत्र मिलता है तो वह भी जो है पत्नी के माध्यम से ही प्राप्त होता है, किसी के यहाँ जो है इस पे पुत्र पे किस बात का। अगर जो बात करें संपत्ति की, तो संपत्ति भी जो है मुझे मेरे पिता से मिला, मेरे पिता को मेरे बाबा से मिला, मेरे बाबा को उनके पिता से मिला, तो किस बात का घमंड। हमने क्या बना रखा है ये जो है बहुत मायने रखता है। इवन इंसान मर जाता है तो चार लोग कंधे पे भी लाद करके उसको श्मशान तक पहुंचाते हैं, तो किस बात का घमंड। लेकिन लोग ना जाने किस बात का घमंड करते हैं। बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो आज भी बैठ करके मेरे वीडियो में कमियां निकालेंगे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जरा खुद के सीने पे हाथ रख करके ये सोचो कि कितने ज्ञानी हैं आप, बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छे नॉलेज आप रखते हैं, लेकिन आप में और उस मुर्दे में क्या अंतर है जो कब्रिस्तान में दबा हुआ है। बहुत सारे आइडियाज उसके पास भी थे, नॉलेज उसके पास भी थे, लेकिन खुद में ही सपेट करके वो वहां दफन है और आप जीते जी जो है समाज में दफन है। यदि आप समाज का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, तो व्यर्थ है, धिक्कार है आप पर और आपके ऐसे नॉलेज पर, क्योंकि ज्ञान वही ज्ञान होता है जिससे समाज का कल्याण होता है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि अगर जो आपको वीडियो उपरांत ऐसा लगता है कि इससे समाज का भला हो सकता है, तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे माताएं, बहनें, विधवाएं, बुजुर्ग हैं जो कि पैसे के अभाव में, डॉक्टर के फीस के अभाव में, परामर्श के अभाव में, दवा के अभाव में बड़ा ही बदतर जिंदगी जी रहे हैं। कोई एक भी व्यक्ति ठीक हो गया तो इससे बड़ा और परोपकार कुछ नहीं होगा। तो मित्रों, आज शुरू करते हैं। यदि आपको बरसों पुरानी स्किन डिजीज है, आपको खजली है, आपको फंगल इन्फेक्शन है, आपको दाँत खाद खजली है, खुजलाते खुजलाते खून निकल आता है, पंचा निकल आता है, चाकू से, चम्मच से, खुरपी से, दीवार में रगड़ रगड़ के, ऑफिस में कोना पकड़ के खुजलाना पड़ता है, छुप छुप करके ठीक नहीं होता है, तो मेरे साथ बने रहें। यदि आपको पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन है, लैट्रिन जाते हैं, बहुत ही कांखते हैं, लेकिन कुछ नहीं निकलता है, मिट्टी जैसा थोड़ा सा पुच से लैट्रिन होता है, बड़ी दर्द होती है, ऐसा लगता है लैट्रिन के रास्ते में फालिज मार दिया है, पैरालिसिस ऑफ द एनस आपको देखने को मिलता है। यदि आपका मिजाज हमेशा बदलता रहता है, कभी मस्त रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं, कभी सुखी रहते हैं, कभी गाली देने लगते हैं, कभी मस्त हो जाते हैं, तो बने रहे हमारे साथ।
यदि आपको पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन है, पेट संबंधी विकार है, यदि आप कोई माताएं बहने हैं उनको बरसों पुरानी ल्यूकोरिया, जी हाँ दोस्तों 10-20-25 साल से ल्यूकोरिया है, ओवेरियन सिस्ट है, सर्विसाइटिस हो गया, बच्चेदानी गांठ है, बहुत जल्दी जल्दी पीरियड आता है, बहुत थोड़ा सा होता है, दो दो चार चार छः छः आठ आठ दिन लैटरिंग नहीं होती है या दो दो हफ्ते पे लैटरिंग होता है, तो ऐसे तमाम लोग माताएं बहने हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज की इस दवा से आपका उपचार हो जाएगा। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करें, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि कितने पावर में आपको दवा कितना डोज देना है। तो उठाएं कागज और कलम, नोट करें। जी हाँ दोस्तों, इस दवा का नाम है एलुमिना। जी हाँ दोस्तों, ये सिंगल मेडिसिन सिंगल डोज आपके तमाम दिक्कतों को ठीक करेगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।